my channel. Today I will be making a super nutritious, very healthy, stomach filling and definitely a very appealing recipe for your child. That is tomato and apple soup. So everybody know that tomato is a superfood. Why? Because it is rich in protein, calcium, carbohydrates, vitamin C, K and whatnot. Secondly, apples are rich in dietary fibers, then vitamin C, potassium, antioxidants, and all of these will help first of all in developing a very good immune system in your child. Secondly, it will help in developing the bone strength. Third, it will be very helpful in developing the brain of the child. So without wasting any time, let's see what's the recipe and then we will discuss some important points. सो गाइज आई हैव टेकन अ मीडियम साइज एप्पल, इसलिए मैं पूरा एप्पल लूँगी. आप चाहें तो अगर बड़ा एप्पल ले रहे हैं तो हाफ ले लें. इसके बाद हम मीडियम साइज़ के चार टमाटर लेंगे. देन वी विल टेक लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर. देन गरम मसाले में हम स्टार एनिस लेंगे और बे लीफ लेंगे. सिर्फ हमें और कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना है. अब हमने अपनी वेजीज को अच्छे से चॉप कर लिया है और देसी घी में हम अपना सूप कुक करेंगे. एक प्रेशर कुकर में आप देसी घी ऐड कर लें और जो हमने दो गरम मसाले लिए हैं, एक छोटी सी बे लीफ और एक पैलेट हम लेंगे स्टार एनिस की. जब तक घी गरम हो रहा है, ये गरम मसाले अच्छे से इसमें रहने दें ताकि ये अपना एरोमा रिलीज़ कर दें. आफ्टर दैट वी विल ऐड एप्पल टू इट. हमने एप्पल की स्किन जो है वो पील कर ली है और तब हमने इसको कट करके इसमें ऐड किया था. जब तक एप्पल थोड़े से सॉफ्ट नहीं होते, अब हम थोड़ा सा इसको सॉटे कर लेंगे. देन वी विल ऐड टमेटोज टू इट. टमेटो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल हमने इसको ब्लेंडर ही करना है. टमेटोज़ को हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक उसकी स्किन जो है वो अलग नहीं होने लग जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए टमेटो. नाउ वी विल एडिंग दी सॉल्ट टू इट. सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सॉल्ट अपने बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है. आई हैव एडेड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर टू इट नाउ एंड शुगर. सेम इज़ विथ शुगर. शुगर अगर आपने अभी इंट्रोड्यूस नहीं करी है तो आप स्किप कर दें. और वैसे भी ये जो सूप है वो मीठा ही बनेगा थोड़ा सा, तो शुगर अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे देन इट विल बी ओके. नाउ द टमेटोज आर सॉफ्ट, इसलिए मैं इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ. आप और पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाना है तो. मेरा जो सूप है वो थोड़ा सा थिक बनेगा. नाउ वील कवर द लिड एंड वेट फॉर एटलीस्ट 5 whistles. आफ्टर द 5 whistles आप इसको ओपन करके इसमें से बे लीफ और स्टार एनिस की पेटल हटा दें और उसके बाद सूप को ब्लेंड कर लें. मैंने इस प्रेशर कुकर में ही इसको ब्लेंड किया है एंड ब्लेंड करने के बाद हम स्ट्रेन करेंगे और एक बॉयल दिलाएंगे दोबारा से. इस टाइम पे अगर आप थोड़ा पानी और ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ ये इस कंसिस्टेंसी का बनेगा. अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर गार्निश के लिए आप इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें होममेड बटर ऐड कर सकते हैं या फिर जो वाइट तिल होते हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं. सो आवर डिलीशियस सूप इज रेडी गाइस. यू कैन सर्व दिस रेसिपी विद सम कुकुम्बर्स और एनी सैलड विच योर चाइल्ड ईट. कैरेट हो गया, कुकुम्बर हो गया या कुछ भी. और आप इसको जरूर ऐड करिए अपनी डाइट में. एटलीस्ट समर्स में ट्वाइस अ वीक ऐड कर सकते हैं और विंटर्स में थ्राइस अ वीक तो दीजिए अपने बच्चे को, बिकॉज इसका टेस्ट भी बहुत स्वीटनेस की तरफ है और बहुत कम मसाले इसमें हमने ऐड करे हैं. तो प्लीज़ जाइए एंड ज़रूर ये रेसिपी बनाइए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच रेसिपीज एंड प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल टू मोर पेरेंट्स. थैंक यू.